हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले कि आप कैसे इसरो में ज्वाइन हो सकते हो अगर आपने बीएससी की है या फिर एमएससी की है या फिर आप पीएचडी भी की है। तो ये वीडियो में पूरी तरह से देखने वाले हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो इसरो में अगर आपने बीएससी की है या फिर एमएससी की है या फिर पीएचडी और आईटीआई और डिप्लोमा के दे भी है, और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और 10th के भी स्टूडेंट हो, तो उसके लिए यार एक स्पेसिफिक वे है, वो ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। तो आप आई टैब पे क्लिक करके या फिर नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके एक बार देख लेना, क्योंकि यार इसरो में यार आपकी काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे आपको जॉब मिल जाएगी, और ये यार काफ़ी रेप्यूटेड भी है, तो काफ़ी बढ़िया रहता है अगर इसरो में आप ज्वाइन हो जाते हो। तो इसरो में यार कई सारे सेंटर्स हैं और इसरो में यार काफ़ी जॉब वैकेंसी भी होती है, तो उसमें आपको कौन सी पोजिशन मिलती है अब देखते वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी वालों के लिए। तो बीएससी वालों के लिए क्या जॉब पोजिशन होती है, तो टेक्निकल एक असिस्टेंट की होती है और एक साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये दोनों पोजीशन है अगर आपने बीएससी की है, और अगर आपने बीएससी इस कोर्स में किया है, फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सीएस में, ऑनर्स में, कि अप्लाइड फिजिक्स में, बीई इंजीनियरिंग में, लाइफ साइंस में या फिर साइकोलॉजी में की है बीएससी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे जॉब के रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे, वो वीडियो के एंड में हम दिखाएंगे कि किस तरह से आपको करना है। और ये सारी प्रोसेस जो इसरो की होती है वो आईसीआरबी के एक है, जो इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो सारी ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को हैंडल करता है, और वो सब देखते हैं एंड में। अगर आप इसरो में आईटीआई या फिर डिप्लोमा की तरफ से ज्वाइन हो रहे हो, आपने आईटीआई और डिप्लोमा किया है, तो आपको कौन सा फील्ड मिलेगा, आपको टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी। अगर आपने बीएससी किया है तो साइंटिफिक की भी मिल सकती है या फिर टेक्निकल की भी मिल सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हायर स्टडी के लिए भी जाना है, तो इसरो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हो, साथ ही साथ में आप इसरो में भी काम कर सकते हो ऐसे पार्ट टाइम के लिए, या फिर पार्ट टाइम स्टडी भी आप कर सकते हो इसरो के साथ। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर आपने बीएससी किया है, आपको जॉब रिक्रूटमेंट मिल रही है, तो ज़रूर ले लेना, मिस मत करना, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये है। तो अब बात करते हैं अगर आपने एमएससी की है तो आपको कौन कौन सी जॉब की पोजीशन मिलेगी। तो जॉब की पोजीशन की बात करते हैं तो आप साइंटिस्ट की तरह आप ज्वाइन हो सकते हो, और यहाँ पर भी कई सारे साइंटिस्ट की पोजीशन होती है। तो जैसे आप एमएससी करके ज्वाइन हो गए तो आपको सीधे ही साइंटिस्ट की पोजीशन पर मिल जाएगी, और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस हो वो सब काफ़ी बढ़िया रहता है, तो आपका प्रमोशन होके फिर साइंटिस्ट बी के पोजीशन पे मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी आपने काफ़ी बढ़िया किया तो साइंटिस्ट सी की पोजीशन पे, और फिर काफ़ी बढ़िया किया तो साइंटिस्ट डी की पोजीशन पे, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपकी स्केल भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, जैसे आप एक साइंटिस्ट से मूव करके दूसरे साइंटिस्ट की पोजीशन पर जा रहे हो। तो ये एमएससी वालों के लिए है, और आगे अब देखते हैं पीएचडी वालों के लिए भी क्या है। तो अब देख लेते हैं पीएचडी वालों के लिए कि क्या क्या जॉब की पोजीशन होती है। जॉब की पोजीशन की बात करते हैं, वो दो पोजीशन होती है, साइंटिस्ट की एक पोजीशन और एक इंजीनियरिंग की पोजीशन। तो ये दोनों पोजीशन में आप ज्वाइन हो गए तो सीधे आप एसटी ग्रेड के साइंटिस्ट बन सकते हो, तो ये एक काफ़ी बढ़िया है अगर आपने पीएचडी की है और सीधे एसडी ग्रेड के साइंटिस्ट बन सकते हो, और इसकी आप पे स्केल काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ और शानदार सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आपने पीएचडी किया एसडी ग्रेड में मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया रहता है। और आगे देखते हैं कि रैंक ऑफ साइंटिस्ट क्या क्या होती है। तो एससी की रैंक होती है, फिर एसडी रैंक होती है, फिर एसई, एसएफ, एचजी, जी और एच। तो ये कैटेगरी वाइज रैंकिंग ज़्यादा आपकी बढ़ती जाएगी और पे स्केल भी बढ़ता जाएगा। तो ये थी यार पीएचडी वालों के लिए। अब आपको देखना है कि कैसे अप्लाई करना है, तो आगे देखते हैं। अब आपका डाउट होगा कि कैसे हम अप्लाई करें, ये
ये पोजीशन और वो सब तो देख लिया। तो आपको जाना है www.isro.gov.in और उसमें आपको जाना है ये, तो इसमें आपको जाना है करियर्स पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड करियर प्रोस्पेक्टिव। तो अगर आपने बीएससी किया और उसकी रिक्रूटमेंट हो तो आप वहाँ से फॉर्म फिलअप करके फिर रिक्रूटमेंट हो के आप जा सकते हो वहाँ पे के लिए। अगर आपने पीएचडी किया और उस स्पेसिफिक पोजीशन की इन लोग को रिक्वायरमेंट होती है सेंटर्स में इसरो के लिए, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करके फिर जाना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए एक रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा कि आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा वर्क आपको करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजमेंट हो वो सब, फिर लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है और इसरो के कौन से सेंटर में, और फिर वहाँ पे अप्लाई करके ये सारे कॉन्टेक्ट्स और डिटेल हैं वो आपके हिसाब से है कि आप कौन सा फॉर्म फिलअप करते हो। और डेडलाइन की भी टाइम लिमिट होगी यहाँ पे, तो आप एक बार अच्छी तरह से चेक करते रहना। और ये वेबसाइट पे आपको रेगुलर चेक करते रहना अगर आप इसरो में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि यार यहाँ पे टाइम कम होता है, कभी रिक्रूटमेंट आती है और थोड़े टाइम के बाद निकल जाती है क्योंकि वो फिलअप हो जाती है। तो आपको रेगुलर यहाँ पे चेक करते रहना है। तो ये थी यार ये वीडियो, में ऐसे ही वीडियो आते रहेगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी जाननी है तो नीचे कमेंट करके बताना आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।